सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हाँ दोस्तों, सुना ठाकुर, दोस्तों बहुत सारे वीडियो अच्छे अच्छे बनाए, काफी लोग बताते रहते हैं कि अपनी परेशानियां, तो आपको मैं मुख्य चार परेशानियों के बारे में आज अवगत कराऊंगा कि क्या क्या आती हैं इस बिजनेस में। बाकी ये बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन ये चार चीजों से आप मैं कुछ सुझाव भी दूंगा कि ऐसे ऐसे आप उससे बच सकते हो, पर पहले समझ तो लो कि प्रॉब्लम क्या क्या है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर मुझे लगा है इस बिजनेस में, तो अपना ब्रोकरेज निकालने का। कई बार मतलब रोज ऑलमोस्ट दो एक मैसेज ऐसे आते हैं, सर पूरा काम किया हमने, दिखाया ये बंदा डायरेक्ट कर लिया, या ऐसे हुआ था, वो अभी वो ब्रोकरेज नहीं दे रहा है। अभी वो सबसे सॉफ्ट आदमी को हम ब्रोकर रहता है, बायर ने कम कराया, सेलर ने ज्यादा कराया, कुछ भी किया, तो बीच में ब्रोकरेज, आपके ब्रोकरेज से मैं कम करता हूँ, नेगोशिएट कराने गए हम लोग, तो सबसे पहला चीज ये आता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम नंबर एक है, अपने ब्रोकरेज को लेना, या काम होने के बाद नहीं देते, फिर झगड़े होते हैं, या दे रहा हूं भाग के जा रहा हूं क्या, और फिर देंगे कितना, थोड़ा थोड़ा करके देंगे। तो उसका सोल्यूशन भी ये है कि भाई पहले जिस दिन सौदा होता है उस दिन क्लियर कर लो एकदम। 100 में से 80 में प्रॉब्लम आता है, जब मैं नया नया था, जब मैं क्लियर कम्युनिकेट नहीं करता था कि मेरा इतना ब्रोकरेज रहेगा और ये साइन करो कि यस इतना मैं देने वाला हूं, साइन करो, नहीं तो जो एमओयू वगैरह भेजते हैं उसमें ब्रोकरेज एकदम क्लियर मेंशन कर दो। अगर ये नहीं किया तो बाद में आपको खटपट करनी पड़ेगी। नेगोशिएट करना है शुरू में कर लो, कुछ करना भी है, हर चीज नेगोशिएबल होती है, एकदम ऐसा नहीं कि रिजिड है, ऐसा ही होगा, बट बाद में कुछ नहीं कि ऐसा हो गया, ये हो गया, डिले हो गया आपके चक्कर में, ऐसा किया मैंने, वो किया, ये कुछ बहुत सारे, फिर ऐसे 1000 रीजन वो बताएगा कि क्यों आपको कम देना चाहिए, क्योंकि सबसे इजीली बेचारा ये, और ये बोलेगा सर देखो ना प्लीज, सर ऐसे क्या है, वो कुछ नहीं, इतना ब्रोकरेज रहेगा मेरा ऐसे। अभी एक डील हो रही थी, वो बंदा बोलने लगा कि नहीं नहीं इतना ही दूंगा यार, मेरा मैंने बहुत प्राइस कम किया। मैंने बोला कितना कम किया, उसका 1 करोड़ का चीज था, उसने 70 में बेचा, सॉरी 90 में बेचा, अब 10% कम किया ना, 10% ब्रोकरेज कम करना की जगह वो क्या बोल रहा है, मतलब परसेंट वाइज भी देखें तो ब्रोकरेज सीधा आधा करूंगा मैं, 50 ही दूंगा आपको, 0.5% ही दूंगा। अरे मैंने बोला आपने प्राइस जो कोट किया, एक तो आप ज्यादा करके कोट करके मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो, मेरा काम का मेरा ये स्टैंडर्ड है, मेरी पॉलिसी है, मैं इसमें कम नहीं करूंगा। सब हो गई थी डील, एक बार सीने पे पत्थर रख के मैंने बोल दिया नहीं जमता है सर कैंसिल कर दो, मेरे पास दूसरे भी ऑप्शन है, मैं उसका दे दूंगा, आप सोच लो। उसने बोला एक दिन का टाइम दो, मैंने बोला ठीक है ना सर। और जो सेल्स वाला बंदा था वो डर गया कि सर अभी इतना मेहनत किया, टाइम ऐसा चालू है, आप छोड़ रहे हो ये वो। मैंने कहा देखते हैं ना, उसको भी सोच लेने दो, हर आदमी जिसको देखो हमारे कोई बीच में बस पीसना चाहता है, काम करा के लो इतने लोग, वो लगता है कि इससे डील हो गई, किया क्या है, पर भाई कितने 20-30 लोगों को दिखाया, कितना मुश्किल किया, घर बार छोड़ के, हमारे भी अपने बीवी बच्चे हैं, खर्चे हैं, ओवरहेड हैं, सब कुछ देखना है, घर डाल यू नो पैसा डाल के अपन धंधा चलाएंगे तो कैसे चलेगा। मैं बताया नहीं परोड़ता भाई, बाहर का मार्केट है, मैं दूसरी चीज दिखाऊंगा, जो मेरे को ढंग का पैसा देगा काम करूंगा, मजा है, काम ठोक के करूंगा, पैसा ठोक के लूंगा। और ब्रोकरेज का बहुत इशू आता है, तो आप लिखा के लो, मेल में डालो, एमओयू बनाओ, उसमें अपना रखो, क्लियर कम्युनिकेट करो, तभी बचोगे और ब्रोकरेज कम लेने। ये नहीं कि सब हो गया, खा पी के आराम से रहने लगा फिर देता हूं, कुछ नहीं भैया, रजिस्ट्रेशन करने गए, मेरा ब्रोकरेज का चेक दे दो, आपको पूरा पेमेंट मिल गया, आपको चाबी मिल गई, मेरा भी चेक फाड़ दो। नहीं वो बोलेगा मेरा चेक पहले डीडी है, क्लियर होने दो, उसको डीडी पे भरोसा नहीं और मैं इसके भरोसे बैठा रहूं, मेरे पास भी कुछ चाहिए ना। मैं बोलता हूं भाई आप ऐसे करो, मेरे को पोस्ट डेटेड चेक दे दो, 2 दिन बाद का दे दो, 2 दिन लगेगा ना डीडी में, मैं आपको पूछ के चेक डालूंगा, लेकिन मेरा चाहिए कुछ ना कुछ, बिल्कुल ही नहीं। बोलेगा चेकबुक लाना भूल गया ये वो। मैं बोलता हूं जो भी है सर, मतलब ये सब कोई रीजन नहीं रहते हैं चेक देने के, या फिर मेरे को बाकायदा मेल डालो कि प्लीज मेरे को 2 दिन का टाइम दो, मैं आपका इतना इतना अमाउंट इतने टाइम में पे करूंगा, नहीं तो बेच के मेरे साथ हुआ, बेचा उचा सब हाँ हाँ किया, बेच के बॉम्बे चला गया, बोला जैसे ही इसका पैसा आ जाएगा मेरे अकाउंट में डीडी जमा कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर दूंगा, अब मैं फोन करते बैठा हूँ, खुद का पैसा भीख मांगने जैसा हो जाता है, सर दो ना। वो बोलता है दे रहा हूँ यार, फोन मत करो बार बार, मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मैं मीटिंग, एकदम आदमी के ना बदले बदले जनाब नजर आने लगते हैं, जब पैसा मांगने जाओ तो बुरा हो जाता है ब्रोकर, काम कराते समय क्या हुआ, वो पेपर नहीं आया, क्या कर रहे हो, ऐसे वैसे सब भगाया उसने 2 महीने,
और जब पैसे देना है अब आप उसको पीछे चेस कर रहे हो और बोल रहा क्या है आप बार बार फोन मत करो मैं डिस्टर्ब होता हूँ मैं, फिर वो बहुत बड़ा बन जाता है। अरे बड़ा है तो मेरा पैसा दे दे यार, काम करा के फुकट में जाके बैठ गया है छुपके। तो बहुत ही आता है आप एकदम क्लियर हो, ऐसा नहीं कि एकदम गुस्सा लड़ाई झगड़ा ये सब बुरे होते हैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर बहुत लोग अगर आप सीधे साधे हो आपके सीधे का फायदा उठाती है दुनिया, ये याद रखना। हम बिजनेस में मैं भी बोलता हूँ सोशल वर्क करने के लिए नहीं आया हूँ, अपना पैसा दो या तो कोई ना कोई चीज ऐसा रोक के रखो, उनका डॉक्यूमेंट उनका कुछ तो भी ऐसा इंपॉर्टेंट पेपर आपके हाथ में रहना चाहिए। मेरा जब तक नहीं आता नहीं भाई, बोलेगा भरोसा नहीं क्या है आप, देखो मैं ऐसा हूं ये है वो, सब ठीक है भाई सब कुछ ठीक है, आपने जब लेन देन किया तो एग्रीमेंट किया ना, भरोसे पे क्यों नहीं सौदा कर लिया कि इतना ये दिया और ये लिया और भरोसा है ही कहां जाएगा, वो सब भरोसे पे कुछ नहीं किया, मेरा ब्रोकरेज भरोसे पे, क्लियर एकदम रो उसमें कड़क रहने का, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि अपने धंधे में एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये कभी अच्छा होता है कभी बुरा, जो सेकंड चैलेंज है, दो तीन महीने अच्छे जाएंगे फिर वो नरम गरम ऐसा चलते रहता, कभी खुशी कभी गम। तो ये मान के चलो थोड़े पैसे आए तो आना इधर उधर बहुत खर्चा मत करो, सोच समझ के खर्चा करो, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते जाता है यू नो तब बढ़ाओ खर्चे, शुरू में ही बहुत बड़ा ऑफिस 8-10 लोग और ये वो फर्नीचर, भाई मैंने एकदम जीरो से स्टार्ट किया है, शुरू में रेंट पे लिया छोटा मोटा, जब पैसा बढ़ा सोचा और अच्छा करते हैं फर्नीचर डालते हैं, फर्नीचर भी पहले एकदम से नहीं कि बहुत हाई फाई इंटीरियर में लगा दिया 10 लाख, काम चलाओ, कस्टमर को क्या लगता है चेयर लगती है चेयर लाया ये, मतलब फिर हल्लू हल्लू ऊपर जाने का एकदम से नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा फिक्स नहीं है। अभी 4 महीने से लॉकडाउन में कितने लोग बेचारे गए काम से, अब वो कभी सोचेंगे बिजनेस करना है, वो कान पकड़ लेंगे यार नहीं यार जाके नौकरी करो सेफ रहता है, 1 तारीख को पेमेंट आती है, क्योंकि बिजनेस है कभी अच्छा कभी बुरा, समझ गए। तो ये बहुत आता कि आप फिक्स नहीं रहता इसमें, कभी अच्छे 2-4 शॉट लग गए बहुत आ जाता है, लगी आदमी गाड़ी वीडी बदल के हीरो बन जाता है, नहीं भाई थोड़ा सा अपने पास सरप्लस पैसा रखो, सेकंड चीज है। तीसरी जो प्रॉब्लम मैंने इसके अंदर देखी है कि यहां पे कोई भी आ जाता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई नहीं पूछता कि कौन क्या है बैकग्राउंड क्या था कैसे आया, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं कि जिसके कारण इस धंधे को रिस्पेक्ट नहीं मिलता, लोग उसको अलग नजर से देखते हैं, कौन पढ़ा है 10वीं फेल 5वीं फेल क्या क्वालिफिकेशन आता है कुछ नहीं, बिजनेस को कुछ भी कोई ऐसा टेस्ट है क्या रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए, नहीं है। तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो ढंग से इसको प्रोफेशनल बिजनेस को जानते हैं, या इसके बारे में 10-20% ही लोग हैं इनको प्रॉपर नॉलेज होता है सही सर्विस, इसलिए इसमें नाम बहुत खराब रहता है। ठीक है ये समझ जाओ कि बहुत लोग हैं तो वो गलत तरीके से करते हैं। अभी मैं आपको कैसे बताऊं इस चीज का कि जो अभी समझो कॉम्पिटिशन करते हैं जैसे आपस में, तो उसमें वो गलत गलत फंडे अपनाते हैं। मैं एक खाली छोटा सा अपना वाकया बताता हूँ कि ये लोग आते हैं तो कैसे खराब यू नो बिजनेस करते हैं। एक मैंने ऑफिस खोला, एक आया मुझे पता नहीं, मैं सब ब्रोकर लोगों को खुल के नॉलेज देता हूँ, सबका भला चाहता हूँ, उसके भी बच्चे हैं उसके भी पढ़ने चाहिए, खाली मेरा ही फायदा हो ऐसा नहीं। भाई ने क्या देखा कि यार इसका अच्छा चलता है सब कुछ है, इसके बाजू में खोलेंगे तो ऑटोमेटिक अपना मीटिंग हो जाएगा, तो पहले उसने मेरे सामने खोला। उसको ये पता नहीं कि ये काम करने से मेहनत करने से अच्छी सर्विस देने से धंधा चलता है, सामने दुकान खोलने से चलता है, तो मैं तो भाई टाटा अंबानी के सामने जाके अपना बिजनेस चालू करूं और अमीर बन जाऊं, ये नहीं समझ में आया। दूसरे के कस्टमर खाली चुराने के काम, जो इसके यहां से जाएंगे उसको आगे पीछे अप्रोच करो, फेल हो गया पहला उसका एफर्ट। उसके बाद उसने मेरे राइट साइड में, और ये ट्रू स्टोरी है जो आपको बता रहा हूं, मेरे राइट साइड में आया और खोला। कैसा नाम भी सब मेरे जैसा, जैसे मैंने कारगिल रखा है ना, वो भी डिफेंस बैकग्राउंड से था, तो उसने भी वैसा ही नाम सोचा कि इसका इफेक्ट पड़ता होगा, इसके नाम के कारण इसके आ रहे हैं। भाई ने राइट साइड में खोला, सब कुछ किया, वही कस्टमर चुराने की आदत, वही गलत तरीका, फिर फेल हो गए भाई साहब। अभी वापस से मैं गया था तो उसने मेरे लेफ्ट साइड में अभी खोला है, सोचा कि ऐसा करने से शायद हो जाएगा, क्योंकि मेरी पहले मतलब राइट साइड में था कि एक लाइन से अंदर आते थे तो पहले मेरा ऑफिस आता था उसके बाद उसका आता था, ये मेरे सेकंड ऑफिस की बात कर रहा हूँ। तो उसने सोचा शायद ये मेरे से पहले वो सब कुछ वो कर रहा है, लेकिन जो काम करना चाहिए कि ईमानदारी मेहनत सच्चाई अच्छी सर्विस लोगों को अच्छा डील देने से होता है, उसके समझ में आज भी नहीं आ रही है। अभी भाई ने सोचा कि मेरे से समझो मेरी 10 नंबर की दुकान थी तो 5 नंबर वाली दुकान ले लेना, यू नो ऐसा करूं, क्योंकि पहले मेरा 10 था तो उसका ऐसा 14 नंबर था, तो उसने सोचा इसके आगे आएंगे तो अपुन चल जाएगा। अब ये तीसरा उसका अटेम्प्ट है,
वही भाई ने क्या किया था एक बार मेरे साथ कि जो जैसे रिव्यू डालने का बताया अपन ने कि रिव्यू डालो यू नो रिव्यू माय बिजनेस ऐसा गूगल पे होता है, ये भाई ने गच्चुप अननोन नाम से मेरे रिव्यू को खराब किया। और मैंने बोला ऐसा आदमी तो मैंने देखा नहीं जिसने रिव्यू खराब किया या काम ऐसे सर्विस नहीं दी है। उसको फाइंड आउट किया तो ये सामने वाला कार्टून निकला। क्या मतलब इससे ज्यादा आदमी कैसे गिरेगा। सारी चीजें सीखो और बाद में उधर ही गलत करो। वो फिर मैंने उसको बोला भाई ये रिव्यू खराब क्यों, ओह नहीं नहीं वो ऐसा था। उसको समझा नहीं कि ये ढूंढ लेगा, ये आदमी बहुत होशियार है। बोला नहीं मैं दूसरा किसी का कुछ कर रहा था, अभी वो मुंह नहीं दिखाता, जब मेरे सामने बैठता ना आंख में आंख नहीं डाल के बात कर सकता। तो ऐसा कुछ भी करने से नहीं होता है मेरे भाई। ये जो कचरे लोग आते हैं ये खराब कर देते हैं बिजनेस को। इसलिए अपना ये रियल एस्टेट एजेंट को लोग बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे यू नो तोहफे आ जाते हैं इस बिजनेस में, इनको मैं तोहफा बोलूंगा। तो दोस्तों कोशिश करो कि हम ऐसा करके कभी आगे नहीं जा सकते। आप अपनी किस्मत का कमाओगे, आप अपने मेहनत का और अच्छी सर्विस से लोग आपको देखेंगे, ना कि आप आगे पीछे हो या आपका नाम मेरे से मिलता जुलता, इससे नहीं आगे जाता है कोई, ठीक है। और जो लास्ट चैलेंज है आप लोगों को बता देता हूं, जो बहुत बड़ा है वो है जो ऑनलाइन साइट आ रही है, लड़ते रहो आपस में, एक दूसरे का खराब सोचते रहो, ये आके पूरा धंधा खींच के लेके जा रही है। आपको मैं बता रहा हूं, अगर नहीं उठे हो तो अभी नींद से उठने की जरूरत है आपको, थोड़ा सा आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप ठीक नहीं रहे तो आप भीड़ से एकदम निकल जाओगे। आपको मैं आगाह कर रहा हूं कि बहुत ऑनलाइन ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें आ रही हैं, बहुत लोग अलग अलग सोच रहे हैं। हमारा ऑलरेडी 50% बिजनेस ये लोग ले जा चुके हैं। आपको मैं यहाँ साइट का नाम लेके उसका प्रमोशन नहीं करूंगा, पर समझदार हो तो जानते हो। तो कहना क्या चीज है बॉस, अच्छी अच्छी चीजें तो मैंने बहुत ऐसे सैकड़ों वीडियो बना दिए, पर ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कि हार्ड लगे, लेकिन अभी सतर्क हो जाओ। आपस में मिलजुल के काम करो, अपने भाई का मत यू नो खराब करने की सोचो। बिगाड़ना बहुत आसान है, बनाना बहुत मुश्किल है, समझ रहे हो। और जो करोगे वही आपके पास रिटर्न आएगा। अगर आपने बुरा किया तो आपके पास डबल रिटर्न आता है, अगर आपने अच्छा किया तो आपके पास आधा आता है। ये प्रिंसिपल है, यूनिवर्स का लॉ है, ठीक है। तो गलत मत करके किसी का बुरा सोचो। और खुशी की बात क्या है, उसकी ये सारी हरकतों से मैं और आगे जाते जा रहा हूं। मुझे खुशी होती है कि जब वो कोई ऐसा करता है, क्योंकि यू नो आप अपने कर्म का पाओगे यार, ठीक है। तो ध्यान रखना है तो इन चार चीजों का बहुत ध्यान रखो, और बिजनेस बहुत बढ़िया है अगर आप बढ़िया तरीके से करोगे। अगर आपने इसको गलत किया तो आपका नाम भी नहीं दिखेगा, रुक जाओ। शॉर्टकट थोड़े दिन इधर उधर कर लोगे, लेकिन आप 3 से 5 साल टिक के दिखा दो नाम बदल दूंगा, गलत तरीके से करने वाला। और जो ठीक से कर रहा है, बिल्ड इट वंस बिल्ड इट राइट, जिंदगी भर आपकी आने वाली जनरेशन यहां से पैसे कमाएगी और खाएगी, आपका नाम अच्छा होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, आपके कमेंट से मुझे कुछ ना कुछ इनपुट मिलता है तभी मैं वीडियो बनाता, तो कमेंट इसके लिए बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन है इस चैनल का। सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो, और ज्वाइन बटन मिल गई है आपको बहुत स्पेशल। अगर एक्सक्लूसिव वीडियो चाहिए तो आपको कुछ यू नो चार्जेस देने पड़ते हैं, ज्वाइन बटन का मेंबरशिप ले लो, वहां एक से एक धमाकेदार वीडियो आ रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।